अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आउट टू सी में आज आपको लेकर आए हैं शाहबाज गढ़ी, जहां पर मौजूद हैं अजीम बुद्ध हुक्मरान अशोका के फरमुदात, जो मर्दान सिटी से 15 किलोमीटर, सवात एक्सप्रेसवे पर असमेला इंटरचेंज से 5 किलोमीटर, मैन सवाबी मर्दान रोड से 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया हैं। सबसे पहले जेम्स प्रिंसिप ने बुद्ध हुक्मरान अशोका के फरमुदात को डिकोड किया और पहली बार दुनिया ये जान सकी कि अशोका के फरमुदात ज़िंदगी गुजारने के उसूलों पर मुश्तमिल हैं। 1837 में तर्जुमा किया अशोका के फरमुदात 30 पत्थरों पर नक्श हैं, जिनमें से 2 पत्थर मर्दान शाहबाजगढ़ी के मुकाम पर मौजूद हैं और 1 पत्थर मानसेहरा बट पुल के करीब मौजूद है। अशोका के 14 फरमुदात हर पत्थर पर खरोश्ती जुबान में लिखे हुए नक्श हैं, जो जेम्स प्रिंसिप ने डिकोड कर दिए और अब मुख्तलिफ जुबानों में इसके तर्जुमे हो चुके हैं। अशोका, जिसे अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है, मौर्य खानदान का एक हिंदुस्तानी शहनशाह था, जिसने बरसगीर पाक और हिंद के तकरीबन तमाम इलाकों पर हुक्मरानी की। हिंदुस्तान के सबसे बड़े शहनशाहों में से एक था। अशोका ने मुतअद्दिद फौजी फतुहात के बाद मौजूदा हिंदुस्तान के बेशतर हिस्से पर हुकूमत की थी। इसकी सल्तनत अफगानिस्तान के हिंदुकश पहाड़ों से लेकर मौजूदा बांग्लादेश और मशरक में हिंदुस्तान की रियासत आसाम तक फैली हुई थी। इन्होंने कलिंगा नामी बादशाह को फतह किया था। शाहबाजगढ़ी के खूबसूरत पहाड़ों के दामन में अशोक फरमुदात पर मुख्तसर नोट। पूरे बरेसगीर पर हुकूमत करने वाला अशोका हुक्मरान, जिसने पूरे बरेसगीर में 14 मकामात पर अपनी नसीहतें और तालीमात लिखी हैं, जिनमें मर्दान जिला के शाहबाजगढ़ी के मकाम पर खुलीगढ़ के नाम से मशहूर एक बड़े पत्थर पर भी अपनी तहरीर नक्श की है। कहते हैं कि यह तहरीर 2400 साल पुरानी है और आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। ये तहरीर पुरानी लातीनी और आरामिक जुबान में लिखी गई है, जिसमें पुरानी संस्कृत से भी मदद ली गई है। बाज़ लोग इसको खरोश्ती रस्मुलहत के नाम से भी मौसूम करते हैं। बाद में वो पूरे एशिया में बुद्ध मत के तबलीग के लिए वक़्फ हो गए और गौतम बुद्ध की ज़िंदगी में कई अहम मकामात की निशानदेही करने वाले यादगारें कायम की। इसके दौर इक्तदार का सदर मकाम मगदा था, जो मौजूदा बिहार यानी इंडिया में वाक़िया है। इन्होंने कलिंगा जंग की बड़े पैमाने पर हलाकतों के मुशाहदे के बाद बुद्धमत मज़हब को कबूल कर लिया था और यही वजह है कि अशोका के दौर हुकूमत में बुद्धमत मज़हब ने काफ़ी तरक्की की थी और इसके दौर में जितनी तरक्की बुद्धमत ने की थी, किसी और बादशाह ने बुद्धमत को इतनी बड़ी तरक्की नहीं दी। अशोका अदम तशद्दुद, मोहब्बत, सच्चाई, रवादारी का अकीदतमंद था। अशोका को तारीख में इंसान दोस्त एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से याद किया जाता है। अशोका के दौर का इब्तदाई हिस्सा बज़ाहिर काफ़ी हूंहार था। वो मौजूदा दौर की रियासतों उड़ीसा और शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश में हिंदुस्तान के मशरकी साहिल पर कलिंगा की फतह के बाद बुद्ध की तालीम के पैरोकार थे। कलिंगा एक ऐसी रियासत थी जिसने अपनी खुद मुख्तारी और जमहूरियत पर फहर किया। कलिंगा के मैदानों में जब इसने अपनी फतह की खुशी मनाई तो इर्द गिर्द की लाशों और उजड़ती हुई बस्तियों को देखकर इसका दिल नरम हो गया और ये बुद्धमत के करीब हो गया और इसी फतह की बर्बरियत के बाद इसने बुद्धमत को कबूल कर लिया और इसने कदीम रूम और मिस्र तक निस्बतन नए मज़हब को नई बुलंदियों तक फैलाने के लिए अपना मकाम इस्तेमाल किया। इसने तकरीबन 260 कबल मसीह के आसपास बुद्धमत को अपना रियासती मज़हब बनाया और इसका प्रचार किया और तकरीबन 250 कबल मसीह से अपने डोमेन और दुनिया भर में इसकी तबलीग की। शहनशाह अशोका को बिलाशुबा बुद्धमत की पॉलिसी तैयार करने की पहली संजीदा कोशिश का सहरा देना पड़ता है। वो जानवरों के लिए अस्पताल की तामीर और पूरे हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी सड़कों की तज़ीन और आराइश के लिए माना और जाना जाता है।
इस तब्दीली के बाद अशोका को दमाशुका के नाम से पुकारा जाने लगा, जो कि संस्कृत जुबान का एक लफ्ज है। अशोका ने एक अंदाजे के मुताबिक 40 साल हुकूमत की थी। इनके वफात के बाद मौर्य खानदान सिर्फ 50 साल तक कायम रहा। जबकि अशोका का दौर हुकूमत 232 कबल अज़ मसीह से लेकर 268 कबल अज़ मसीह के दरमियान था। अशोका की ये 14 शाही फरमुदात जनूबी एशिया की इब्तदाई रस्म अल-ख़त में कंदा किए गए हैं। तीसरी सदी कबल अज़ मसीह की तारीख बताती है कि ये फरमुदात दाएं से बाएं से मत लिखी जाने वाली खरोश्ती रस्म अल-ख़त में हैं। मशहूर माहिर आसार कदीमा प्रोफेसर अहमद हसनदानी के मुताबिक इन फरमुदात की खुदाई कतअन अशियाना फ़न ना था, बल्कि ये इनके ज़रिए अवाम तक हाकिम के अहकामात व हिदायात पहुँचाना मकसूद था। जिसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि ये आसार ताजर सयाहों सिपाहियों और मुबल्लिगीन की आमदोरफ्त के रास्ते के किनारे पर वाक़िया हैं। खरोश्ती रस्म अल-ख़त की मौजूदगी से यहाँ ईरानी असरात का पता चलता है, जो कि 4वीं सदी कबल मसीह में सिकंदर आज़म के बाद भी बरकरार रहे। ये 14 फरमुदात अशोक आज़म के धर्म या आइन की पारसाई की अक्कासी करते हैं। ये फरमुदात वादी पेशावर को शुमाल में, वादी स्वात, दीर, चतराल और जनूब मशरक में टेक्सला के अजीम शहर से मिलाने वाले एक कदीम तिजारती रास्ते के किनारे पर मौजूद हैं, जिसको आजकल शाहबाज गढ़ी कहते हैं। इन आसार का जिक्र सबसे पहले जनरल कोर्ट ने 1836 में किया है। बाद में अंग्रेज़ी दौर हुकूमत में इनका अंग्रेज़ी तर्जुमा भी किया गया है, जिसका जिक्र वीडियो के शुरू में मैंने आपसे किया है। ये आसार 8 एकड़ रकबे पर मुहित है। अंग्रेज़ माहिर आसार कदीमा जनरल अलेक्जेंडर किनिंगम और फ्रांसीसी माहिर अल्फर्ड चार्ल्स अगस्ते फूशे ने चीनी सयाह सोंगयन, जो कि 520 ईस्वी के दरमियान, और हुआन सांग, जो कि 639 ईस्वी के दरमियान दिए हुए नामों यानी फूशापू और पोलोशा की रोशनी में शहबाजगढ़ी की निशानदेही की है। मर्दान सवाबी रोड पर वाकिया शाहबाजगढ़ी किसी ज़माने में गंदारा का मशहूर शहर था। गांव शाहबाजगढ़ी मर्दान की मशरक में 14 किलोमीटर के फासले पर एक पहाड़ी के जनूब मगरब में वाकिया है। अशोका के कंदा ये अहकामात इस गांव से 1 किलोमीटर के फासले पर वाकिया हैं। इन दो पत्थरों में बड़े पत्थर पर, जो कि 7 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है, मशरिकी जानब 1-11 और मगरबी जानब 13-14 फरमुदात कंदा हैं। इस पत्थर का मगरबी रुख जमालगढ़ी गांव की तरफ है, जो 24 मीटर की ऊंचाई पर है। फरमान नंबर 12 निस्बतन छोटे पत्थर पर कंदा है। ये आसार यूनेस्को की आलमी विरसा की आरजी फहरिस्त 2004 में शामिल किए गए हैं।
नाज़रीन हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए तारीखी जगह पर और नए मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप तारीख के शौकीन हैं और कुछ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।